हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा के इनकार कर देने के बाद अब मैं शिरडी छोड़ के अक्कलकोट चली जाऊंगी और श्री स्वामी समर्थ के चरणों की पूजा करते हुए मेरा बाकी का सारा जीवन बिता दूंगी। राधा भाई, तुम अक्कलकोट क्यों आ रही हो? मैं तो यहाँ शिरडी में ही हूँ। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग्य रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। बचाइए काका जी, मेरे बच्चे को बचाइए, इसे सांप ने काटा है काका जी। माँ, बच्चा ठीक हो गया। नाथ बाबा की कृपा हो तो मृत्यु भी भाग जाती है डर कर। हाँ। नाथ बाबा, बाबा माँ सप्तशृंगी देवी ने जिस बाबा के बारे में कहा था, ये वही बाबा होंगे। जिस परिवार में हमेशा झगड़ा होता है, हमेशा अशांति रहती है, वो इंसान अपनी मना शांति खो बैठता है और किसी ढोंगी पाखंडी किसी के चक्कर में फंस जाता है और मनः शांति पाने के चक्कर में और अधिक अशांत हो जाता है। इसलिए मालिक को महसूस करो, वो यही है, आपके आसपास है, आपके सामने है। खंडो बराया जय खंडो बराया, खंडो बराया जय खंडो बराया, खंडो बराया जय खंडो बराया, खंडो बराया जय खंडो बराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे
रहे, भक्त जन मना रहे, मंगल हो सब मन भाया। खंडो बाराया जय खंडो बाराया, खंडो बाराया जय खंडो बाराया। खंडो बाराया की, खंडो बाराया की, खंडो बाराया की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। जय खंडोबा महाराज की जय। आ गए बहन, देख लो महासापति सही सलामत लौट आया है शिरडी। साईनाथ, आप हमारे साथ नहीं होते तो इस मालसापति की खंडोबा यात्रा कभी पूरी नहीं होती और न ही ये वापस शिरडी आता था। मालसापति जी, साईं बाबा आपके साथ थे? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन अब मैं महासापति को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। कुल देवता का आशीर्वाद लेकर महासापति लौटा है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जाओ महासापति, अपनी घर गृहस्थी संभालो। लेकिन साईनाथ। जाओ घर जाओ, हाँ जाओ। मुझे आपका यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे आपने तो महासापति को हटा ही दिया। हाँ साईनाथ, वो तो आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते थे। बाबा, वो महासापति तो आपके परम भक्त हैं। और आपने कह दिया कि घर गृहस्थी पर ध्यान दो। तो क्या महासापति को घर गृहस्थी नहीं संभालनी चाहिए? अरे उस राधाबाई को भी आपने द्वारिका माई में आने से मना किया है, अब महालसपति को भी घर गृहस्थी के बहाने वही कह दिया। कल आप मुझसे भी कहेंगे, श्यामा तुम्हें द्वारिका माई में आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कैसे होगा श्यामा, तुम्हें तो द्वारिका माई में आना ही होगा। हाँ, जब तुम बड़ी जाओगे तब मुझे बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि तब तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। अरे मैं आपको बेचैन करने वाला नहीं हूँ, मैं वणी नहीं जाऊंगा। पता नहीं मालिक ने क्या सोचा है, सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी, हमें अब तो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से आगे भी जाना है ना। बिल्कुल। नाथ बाबा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। नाथ बाबा, आपको कह रहे हैं भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रणाम नाथ बाबा। बाबा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण तो आप करेंगे बाबा, आप मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं। आप मेरे घर चलिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो हमें स्वीकार है। वैद्य जी। बिल्कुल।
नाच बाबा की जय हो। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। हो गया कल्याण। नाथ बाबा नहीं, अनार्थ बाबा है। दीदी दीदी सुकन्या, मत लो सर पे पल्लू। सुकन्या, कभी कभी पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ भी बगावत करनी पड़ती है, और कभी कभी वक्त के तूफान में बुरी प्रथाएं कूड़े कचरे की तरह कहां उड़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। बातें अच्छी करते हो तुम। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आज से सर पे पल्लू मत लो। दीदी, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। गोपी ने तो मेरे मन की बात कह दी है सुकन्या। दीदी, पिताजी ने खेत में जो मेहमानों वाला कमरा बंद है उसे खोलकर साफ करने को कहा है। क्यों, कोई मेहमान आने वाला है? हाँ, नाथ बाबा। नाथ बाबा? काका जी की ये आदत मुझे पसंद नहीं है। मंदिर में कोई भी साधु या बाबा मिला, फिर चाहे वो ढोंगी हो या पाखंडी, तुरंत घर लेकर आ जाते हैं। जरा रुको सुकन्या, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। पड़ोस की गंगा चाची ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी है। चाची की रिश्तेदार है। अगर यह संबंध बन गया तो मेरा भी घर बस जाएगा, मेरी भी घर गृहस्थी शुरू हो जाएगी। मुझे कमरा साफ करना है। प्यार क्या है? प्यार एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक भाषा है जो बिना बोले कही जाती है और समझी जाती है। ममता प्यार का ही रूप है। प्यार में ही श्रद्धा और विश्वास छिपे हैं। भक्ति प्यार की सबसे ऊंची सीढ़ी है। प्यार में ना कोई भगवान होता है ना भक्त। प्यार करने वाले दोनों एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं, एक दूसरे को पा लेना चाहते हैं। प्यार में इंसान खुद को भूल जाता है, यहां तक कि वो अपना घर बार, माता पिता सब कुछ छोड़कर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है। वो ही क्षण मुक्ति का क्षण है, वो ही क्षण भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास की, प्यार की चरम सीमा है। तब उसके लिए मुक्ति के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसे सिर्फ मालिक के परम धाम का तेज दिखाई देता है जो उसे अपनी आगोश में ले लेता है। तब हम कहते हैं उसे मुक्ति मिल गई, वो मुक्त हो गया। इसीलिए साधु संत कहते हैं इस नाशवान शरीर से प्यार मत करो। प्यार करना है तो उस अशरीरी से, निराकार से, निर्विकार से करो, तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक। महासभापति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? बाबा, आज तक आपने कभी भी
मालसापति जी को ऐसा नहीं कहा? आज कहता हूँ नानावली, जाओ मालसापति, अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ, सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। देवा, अभी अभी आपने कहा कि प्यार में इंसान अपने आप को भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने घर बार, अपने माँ बाप को भूल कर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है, और वही मुक्ति का क्षण है। और अब ये महालसापति को कई भोग भोगने हैं, उसे कई कर्तव्य निभाने हैं, उसका मुक्ति का क्षण अभी नहीं आया। पानी लीजिए। प्यास तो लगी है लेकिन पानी की नहीं। साईनाथ के दर्शन की, उनके साथ की, पता नहीं क्यों साईनाथ मुझसे नाराज हैं, क्यों उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया, ऐसा क्या अपराध हुआ है मुझसे? आप परेशान मत होइए, यदि साईं बाबा आप पर नाराज होते तो खंडोबा यात्रा में पग पग पर आपकी रक्षा न की होती। आपकी शिरडी लौटने पर दूसरे यात्रियों के साथ वो खंडोबा की जय जयकार नहीं करते। ऐसा है तो उन्होंने मुझे अपने से दूर क्यों किया? क्या इससे पहले मैं अपने घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देता था? साईनाथ ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? गुरु ने चाहे अपने शिष्य को दूर किया हो, लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्य के करीब रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है। जब हम नदी पार करते वक्त नाव में बैठते हैं और नाव चलाने वाले पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें नदी के उस पार अवश्य ले जाएगा, उसी प्रकार जब हम अपने गुरु पर विश्वास करेंगे तब हमारा गुरु हमें भवसागर से उस पार ले जाएगा, हमें तब परमानंद की प्राप्ति कराएगा। सबका मालिक एक। स्वादिष्ट है भोजन, बहुत स्वादिष्ट है काका जी। मेरी बेटी सुकन्या ने बनाया है, उसका कल्याण होगा काका जी। नाथ बाबा, यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मेरी अभागन बेटी को आप जैसे महात्माओं के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। अपनी बेटी को आप अभागन क्यों कह रहे हैं काका जी? बेचारी शादी के कुछ ही दिन बाद विधवा हो गई। नाथ बाबा, माता सप्तशृंगी ने आपको मेरी बेटी के उद्धार के लिए भेजा है। पागल है काका जी, एक ढोंगी को ईश्वरी अवतार समझ रहा है। आपके आने से मेरे मन की शांति लौट आई है। जल्दी ही अशांति भी लौट आएगी काका जी। आपने मेरी बेटी पर अनुग्रह किया तो मैं धन्य हो जाऊंगा नाथ पापा। सुंदर ग्रह दशा है आपकी कन्या की काका जी। राम 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 काका जी, आप जानते नहीं, नाथ बाबा तो चेहरा देखकर भविष्य बता देते हैं। हाँ।
आने वाले कल में आपकी सुकन्या का उद्धार निश्चित है काका जी। अरे मालिक, तेरा इंसान भी अजीब नमूना है। हीरे की खोज करने को कहो तो वो कांच का टुकड़ा ढूंढ लाता है, उसे अच्छाई और बुराई में फर्क नजर ही नहीं आता, सच और झूठ पहचान ही नहीं पाता। आंखें होते हुए भी वो अंधे की तरह बर्ताव करता है। क्या परेशानी की वजह से इंसान अपना विवेक खो बैठता है? जो वो किसी को भी तुम्हारा दूत मानने लगता है, वो सबर करना जानता ही नहीं मालिक, जल्दबाजी करता है और अपना धैर्य खो बैठता है, अपनों का कल्याण करने जाता है और अकल्याण कर बैठता है, फिर पछताता है। उसे श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखेगा तभी तो सबर कर सकेगा और सबर का फल तो मीठा ही होता है मालिक। सबका मालिक एक। बेटा, ए बेटा, अच्छे बच्चे कभी ऐसे रोते हैं क्या? नहीं ना बेटा, माँ को थोड़ा काम करना पड़ता है ना, हाँ वो काम करके ही तुम्हारे पास आती है। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास, हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है, क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो, इसीलिए वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रोता है। लाओ मेरा बेटा मुझे दो। दिन तुमने मेरे प्रसाद को संभाला है उसके लिए ये काफी है। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए मालकिन, नहीं। इस घर में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, तुमने मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। चली जाओ। नहीं मालकिन, चली जाओ। मालकिन, चलो मालकिन, मालकिन निकलो यहाँ से, पहली बार ना निकलो यहाँ से। मालकिन ऐसा मत, तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलिए मालकिन, मालकिन दरवाजा खोलिए। इतनी निर्दयी मत बनिए मालकिन, दरवाजा खोलिए। भाग्य का दरवाजा इंसान के लिए तब खुलता है जब भाग्य उस पर प्रसन्न होता है, फिर इंसान तरक्की की हर सीढ़ी चढ़ता जाता है। जमीन जायदाद नाम शोहरत सब हासिल करता है तो स्वर्ग उसके लिए एक हाथ की दूरी पर ही तो होता है, लेकिन जब भाग्य रूठ जाता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है तब इंसान तरक्की वाली सीढ़ी से फिसलकर जमीन पर आ गिरता है, अपनी सारी कमाई गंवा देता है और जो लोग उसे देखते ही लंबी लंबी सलामें मारा करते थे अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, परिवार वाले मुंह फेर लेते हैं, यहां तक कि वो अपने खुद के बच्चे को भी अपना बच्चा नहीं कह सकता। भाग्य का पासा पलटा था तो पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा था, भीम को रसोई और अर्जुन जैसे धनुर्धारी को नाच सिखाने वाला वृहंडा बनना पड़ा था। यही तो भाग्य की महिमा है जो इंसान को जीते जी स्वर्ग जैसा सुख भी प्रदान करता है और नरक जैसी यातना भी देता है। सबका मालिक।
कैसी हो? ठीक हूँ। वैद्य जी, सिर्फ द्वारिका नाथ जी ही चेहरा पढ़कर भविष्य नहीं बताते, ये ढोंडू बाबा भी भविष्य बता सकता है, बताऊं? राम राम राम, अरे ढोंडिया, हम तो यूं ही हंस रहे थे, क्यों द्वारिका नाथ जी? हाँ, अब जल्दी आप दोनों रोने वाले हैं। अरे मूर्ख गधे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपका दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ वैद्य जी। अगर आप नाथ बाबा का साथ देंगे तो मुझे इस गांव में ही आपकी समाधि बनानी पड़ेगी। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, हैं? मेरी समाधि बनाना चाहता है गधे, यही सोचता है तू मेरे बारे में, हैं? मैं नहीं, आप अपना सोच रहे हैं, जो नाथ बाबा का साथ दे रहे हैं। नाथ बाबा की तो नीयत खराब दिखाई दे रही है। अगर आप भी बदनामी कमाना चाहते हैं, तो हम शिरडी जाते हैं। ढोंडिया, बक बक बंद कर। भगवान, आप इशारा कीजिए, इस ढोंडू को तो मैं पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। चुप कर। उस दिन दशहरे वाले दिन तूने ताकत नाना वाली को क्यों नहीं दिखाई? उस दिन तो धूल चाट रहा था। ओ चुप कर। चुप। है जी, अब हमें जल्दी इस ढोंडिया का कुछ करना होगा। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव को कहूंगा कि नाथ बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, ये पीड़ितों का उद्धार करने के लिए नहीं बल्कि इन्होंने लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए जन्म लिया है। अरे राम राम राम, अरे गधे, हम लोग अपने घर में नहीं काका जी के घर में हैं। आहिस्ता बोल, बदतमीज कहीं के। वैद्य जी, मैं आपका चेहरा देखकर भविष्य बता रहा हूँ, नाथ बाबा का साथ छोड़ दीजिए वरना आपकी बहुत पिटाई होगी। हाँ। बापा जी को देखकर तसल्ली हो गई है, वैसे भी अब वो ठीक लग रहा है, क्यों? लेकिन आपके भाई का बार बार बीमार होना ठीक नहीं है, कहीं वणी जाना और उनका बीमार होना जुड़ा तो नहीं होगा? अरे भगवान, तुम भी ना कहां से कहां पहुंच जाती हो। अरे अरे भाई भाई, रुक रुक रुक, हाँ, हाँ, हाँ। तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ, जाओ। तांगे से क्यों उतर रहे हैं आप? अरे तुम जाओ घर, मैं आता हूँ। जा भाई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते गुरु जी, कहीं साईं बाबा ने तो आपको मेरे पास नहीं भेजा? नहीं 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 नहीं, आपको देखकर ही तो मैं टांगे से उतरा, मैं तो समझ रहा था आप संगमनेर चली गई होंगी। मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए, अब मैं संगम में नहीं जाऊंगी, यही शिरडी में रहकर साईं बाबा का इंतजार करूंगी, गुरुपदेश लेकर ही संगम में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, साईं बाबा तो किसी को गुरुपदेश देते नहीं। मैं तो गुरुपदेश लेकर ही जाऊंगी, मेरे पैसे खत्म होना मेरे लिए अच्छा शगुन है, ऐसा मैं मानती हूँ, और मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। अगर साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे तो यहीं शिरडी में ही मैं अपना दम तोड़ दूंगी। भूखा प्यासा रहकर इंसान का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता श्यामा। अरे जाकर माँ जी को समझाओ श्यामा कि भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो तो आपको पाना चाहती है बाबा। अब राधा भाई की भूख प्यास आपकी कृपा है। वो आपका गुरु उपदेश पाना चाहती है बाबा। हाँ बाबा, आप उस पर कृपा कीजिए। सगुण, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। तुम लोग जाओ सगुण चामा, पहले उसे कुछ खिलाओ, उसे कहो कि भूखे रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता, और मन की शांति नहीं है तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी।
हमारे शरीर में निवास करने वाली आत्मा की तृप्ति भी तो होना जरूरी है। शरीर में अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से मालिक को देखेंगे, बोलो। किस जबान से मालिक की महिमा का वर्णन करेंगे हम, और किन कानों से मालिक को सुनेंगे? श्यामा, शरीर संतुलित रहता है तभी तो हम मालिक को पाने के लिए साधना कर सकते हैं। अरे राधा भाई से कह दो कि उसे खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं मानती तो उसे तांगे पर बिठाकर गांव भेज दो। जाओ। छोड़ दीजिए, मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। छोड़ दीजिए, अगर लेकर जाना है तो मुझे साईं बाबा के पास लेकर चलिए, मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप अपने आप को साईं बाबा के भक्त मानते हो और मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो? माँ जी, साईं बाबा की ही आज्ञा है कि आपको आपके गांव भेज दिया जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ जी, साईनाथ से गुरु उपदेश चाहती हैं और गुरु की ही आज्ञा का पालन नहीं करना चाहती, क्यों? गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मेरे गुरु होंगे, उससे पहले नहीं। गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मुझे जो कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं उन्हें शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। बहुत जिद्दी हैं आप माँ जी, बहुत जिद्दी हैं। लेकिन आपने सुना नहीं माँ जी, बाबा किसी को गुरु उपदेश नहीं देते। अगर बाबा मुझे गुरु उपदेश देने के लायक नहीं समझते तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। महासपति, अरे रोको माँ जी को, अरे रोको उसे। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने आप को संभालिए। अरे राधा भाई, ये क्या पागलपन है? मुझे साईं बाबा के पास ले चलिए। चलिए माँ जी चलिए, हम आपको द्वारिका माई लेकर जाएंगे। जाइए, बाबा आपको बुला रहे हैं, जाइए। माँ जी, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आपको मालिक ने जिंदगी जीने के लिए दी है, मौत को गले लगाने के लिए नहीं। जी बाबा, बाबा आप मुझे गुरु उपदेश दीजिए। बाबा क्या करूं, तुम्हारे कान में कोई मंत्र बोल दूं? मंत्र बोल देने से तुम्हें गुरु देश प्राप्त होगा। हर कोई यही चाहता है माँ जी कि गुरु उनके कान में मंत्र फूके। मैं भी आपकी तरह यही चाहता था अपने गुरु से, लेकिन उन्होंने कभी मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका।
ना ही कोई गुरु उपदेश दिया। बाबा, तो आपको शिक्षा क्या दी उन्होंने? लंबे समय तक उनकी सेवा करने के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे दो पैसे मांगे। दो पैसे बाबा? अर्थात एक दृढ़ निष्ठा, श्रद्धा और दूसरा धैर्य और सबरी। मैंने 12 बरस तक उनकी सेवा की, उनके श्री चरणों में ही खो गया था मैं। उनके अलावा सब भूल गया था। उनका हर एक शब्द मेरे लिए वेद वचन था। ये उनकी तरफ मेरी श्रद्धा थी, विश्वास था। ये थी उन्हें दी हुई एक पैसे की दक्षिणा। और दूसरा पैसा बाबा? धैर्य, सबरी। गुरु पर अविश्वास न दिखाते हुए मैं धैर्य से उनकी सेवा करता रहा। उनके कृपा आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, ना ही कभी मौत को गले लगाने का सोचा। मां जी, धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य ही इंसान का उद्धार करता है। धैर्य ही इंसान की हर मुश्किल आसान करने वाला रास्ता दिखाता है। धैर्य ही इंसान को निर्भय बनाता है और किसी भी मोह के अधीन होने से बचाता है। अपने लक्ष्य की, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए धैर्य की परम आवश्यकता है। धैर्य तो गुणों का खान है, उत्तम विचारों की जननी है। श्रद्धा और सबरिया, निष्ठा और धैर्य दो जुड़वा बहनों की तरह हैं, जिनमें एक दूसरे के लिए हार्दिक प्रेम है। सच्चा गुरु अपने शिष्य से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। माँ जी, वो हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करता है, हमेशा उसकी कृपा दृष्टि अपने शिष्य पर बनी रहती है। कछुवी के बच्चे उसके पास हों या नदी के उस पार, कछुवी प्रेम दृष्टि से उनका पालन करती है। उसी तरह गुरु अपने शिष्य का पालन करता है। माँ जी, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, ना ही उन्होंने मुझे किसी मंत्र की दीक्षा दी। तो मैं तुम्हारे कान में कौन सा मंत्र फूकूं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ में किसी से गुरुपदेश पाने की कोशिश ना करो। सदैव मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो। श्रद्धा और सबरी से मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति होगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो, तुम भी मुझे वैसे ही भाव से तुम्हारी ओर देखते हुए पाओगे। जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, उसी तरह मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। परमार्थ की प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की अथवा शास्त्र अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझ पर श्रद्धा रखो और विश्वास करो।
तुम अपना लक्ष्य अपना ध्येय पालोगे। विश्वास रखो कि सदगुरु ही करता है, सदगुरु ही तारनहार है और सदगुरु ही पालनहार है। जो सदगुरु की इन तीन विशेषताओं को जानता है पहचानता है वो सदगुरु की हरि, हर और ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार समझता है। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज। राधा भाई, अभी आपने कुछ देर पहले साईं बाबा से उपदेश लिया और अब आरती किसी और की कर रही हैं? किसी और की नहीं, मैं साईं बाबा जी की ही आरती कर रही हूँ। साईं बाबा की? हाँ, ये अक्कलकोट स्वामी जी हैं। साईं बाबा इन्हीं के अवतार हैं। साईनाथ इन्हीं के अवतार हैं? हाँ महालसापति जी, कई साल पहले की बात है, श्री शैलब के केले के वन में एक लकड़हारा आया। चीटियों के घर में से दिव्य रोशनी। अरे देवा, चीटियों के घर में कोई साधु तपस्या तो नहीं कर रहा? जी प्रणाम। मुझे माफ कीजिए स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई। मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से गिर गई। गुरु विष्णु, गुरु
के बाद अक्कलकोट स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। वो कलकत्ता गए, पंजाब गए। तीर्थ यात्रा करते हुए वो देवलग्राम आए। देवलग्राम से राजूर और फिर राजूर से पंढरपुर, पंढरपुर से मंगलवेड़ा आए। मंगलवेड़ा में वसापा तेली रहता था। भोला भाला, गरीब, निष्पाप। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। दिगंबर बाबा, आप तो कांटों पे लेटे हैं। कैसे हो वसापा? अब आप मुझे जानते हैं बाबा? आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? दिगंबर बाबा, रुक जाइए दिगंबर बाबा। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सांप? दिगंबर बाबा मुझे बचाइए, ये सांप अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या, सांप उठा लो? हाँ वसापा, उठा लो, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं, उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। अब इसे लेकर घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। सांप, क्या हो गया है आपको? जंगल में किसी ने आपसे कहा सांप उठा लो, तो आप सांप उठाकर घर ले आए। अरे किसी अहरे गहरे ने नहीं कहा, दिगंबर बाबा ने कहा है। कौन दिगंबर बाबा? अपनी पत्नी की बात तो कभी सुनी नहीं, और उस बाबा की बात सुनी ही नहीं, बल्कि झट से मान भी ली और ले आए इस मुसीबत को घर। अरे अरे, ये सांप तो छलांगे लगा रहा है, बाहर आ रहा है। लाठी उठाओ जल्दी। दिगंबर बाबा ने मुझे कहा था सांप उठा लो, कल्याण होगा। मैं बेवकूफ उनकी असलियत को पहचान ना सका। सामने ईश्वर थे और मैं उनसे कह रहा था मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं दिगंबर बाबा? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, मुझे आपके दर्शन करने हैं। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा। प्रणाम बाबा। और सांप चाहिए? नहीं सांप नहीं, कृपा करके आप मेरे घर चलिए। मुझे जाना होगा। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो, आंसू मत बहाओ वसापा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जन कल्याण, जन जागृति के लिए जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है।
लोग संभ्रम में हैं, उनकी संभ्रम अवस्था दूर करके उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराना होगा। और सबसे बड़ी बात, मंगल जेठा मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। बस आप अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दो, परमार्थ की ओर मन लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सोलापुर गए, सोलापुर से अक्कलकोट गए महाराज। अक्कलकोट में उन्होंने साईं बाबा जैसे ही चमत्कार किए, लोगों का मार्गदर्शन किया, पीड़ितों का उद्धार किया, अंधविश्वासियों की आंखें खोल दी। अक्कलकोट रियासत के राजा मालोजी भी उनके भक्त थे, अक्कलकोट उनका कार्यक्षेत्र था, इसीलिए वो अक्कलकोट स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय स्वामी समर्थ हमारे सामने खड़े माल सापति जी। तुम क्या कर रही हो प्रतिभा? प्रतिभा, प्रतिभा, यहीं खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। क्या हुआ, तुम इतनी नाराज क्यों हो इस पर? ये भरोसे वाली नहीं है, इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। जब ये सामने नहीं होती तो ये रोने लगता है, और जब सामने आती है तो रोना भूलकर शांत हो जाता है। न जाने इसने क्या जादू कर दिया है इस पर, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं अपने प्रसाद को खुद संभाल लूंगी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ। ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की सच जरूरत है। मैं तो सिर्फ प्रसाद को शांत कराने के लिए कह रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ, और आप खुद सोचिए साहब, क्या मेरे कहने से कि मैं उसकी माँ हूँ प्रसाद मेरा बेटा हो जाएगा? नहीं साहब, नहीं, आप खुद सोचिए ना साहब, प्रसाद कितना छोटा है, अभी तो वो बोलता भी नहीं, बस रोते रहता है, और मैं तो सिर्फ उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए साहब, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। सागर होती है, और आज वो मां खुद दया मांग रही है।
तुम्हारी दुनिया में ये क्या हो रहा है मालिक? एक मां को तुम लाचार कैसे बना सकते हो? मां और बेटे के बीच मजबूरी की दीवार कैसे खड़ी कर सकते हो तुम? तुम तो दयावान हो, रहम दिल हो, तो फिर तुम्हें एक मां पर दया कैसे नहीं आती? अपने बच्चे के लिए मां बड़े से बड़ा दुख झेल सकती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका संयम छूट गया और वो क्रोधित हो गई तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे मालिक? एक मां के क्रोध से बचने के लिए मां की ही ढाल चाहिए। एक ही रास्ता है मालिक, रहम करो, दया करो मालिक, करुणा दो, रहम करो मालिक। चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा, बोला ना मत रो। अगर अब तुम चुप नहीं होगे ना, रोना बंद नहीं करोगे ना, तो मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से फिर से नौकरी पर रखा है मालकिन ने मुझे। चुप हो जाना। देख राजा बेटा, अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो मैं तेरे पास नहीं रह पाऊंगी। हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा, बोला ना, चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कहती हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। क्या हुआ? मेरा प्रसाद रोने क्यों लगा? लव, चुप हो जा बेटा, क्यों रो रहा था? हाँ, तेरी माँ तेरे सामने है। हाँ, रोना मत। हाँ, चुप हो जा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अरे बच्चा तो चुप हो गया है, लेकिन तुमने हंसना क्यों शुरू कर दिया? आज पहली बार प्रसाद ने मेरा कहना सुन लिया है और रोना बंद कर दिया। मेरे लाल, मेरा बच्चा, मेरा लाल प्रसाद। आइए भैया। तात्या, माँ नहीं आई? क्या माँ मुझसे रूठ गई है? नहीं भैया, पर हाँ, आप एकदम सही समय पर आए हैं। मैं भी खाना ही खाने बैठ रहा था। अच्छा, आइए भैया। नहीं, तुम खाओ। आइए तो साथ में खाते हैं। आइए आइए भैया। दुनिया मुझसे रूठेगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मालिक मुझसे नाराज होगा तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मां का रूठना, मां का नाराज होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मां रूठी तो भाग्य रूठा, जिंदगी रूठी। मां का अस्तित्व ही घर को पवित्र मंदिर बनाता। माँ उस दीप ज्योति की तरह है जिसकी रोशनी कभी आंखों को तकलीफ नहीं देती। तात्या, माँ को बुलाओ ना,
माँ को बुलाओ। माँ, माँ, बाबा, माँ तो आप ही से इजाजत लेकर मामा से मिलने अपने मायके गए हैं, और मैं तो यहाँ खेती के काम से रुका हूँ। आप भूल गए ना बाबा? मैं तो भूल ही गया था तात्या। आज आप कुछ ज्यादा बेचैन लग रहे हैं बाबा, क्यों? एक माँ के प्यार ने मुझे बेचैन कर दिया है तात्या। अपनी ममता की बलि चढ़ाकर अपने बच्चे का सुख देखने वाली माँ ने मेरा दिल पिघला दिया तात्या। हर औरत अपने बच्चे से मां सुनने के लिए तरसती है, और ये मां अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने बच्चे को डांटती है कि बच्चा उसे मां कहकर ना पुकारे। इसीलिए तो मैं मां से मिलने यहां चला आया। मां भी तो मुझे खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाती थी। बाबा, अगर आप कहें तो मैं मामा के यहां जाकर मां को लेकर आता हूं। नहीं तात्या, नहीं। इस घर में कदम रखते ही मेरी बेचैनी दूर हो गई है। यहां के वातावरण में ममता भरी हुई है ना। यहां कर ऐसा लगता है कि मां मेरे साथ है। तुमने मुझे बुलाया शंकर? मैंने तुम्हें आधा घंटा पहले बुलाया था, और तुम अब आ रहे हो? अब वो क्या है शंकर की? शंकर नहीं, शंकर सेठ कहो, समझे? जी। धर्मानंद, ये रजिस्टर बता रहा है कि तुमने 2000 रुपए लिए हैं। किसकी किसकी इजाजत से तुमने ये पैसे लिए हैं? वो दिनकर सेठ की इजाजत से? दिनकर सेठ नहीं है धर्मानंद, ये जमीन जायदाद हवेली व्यापार का वो भी तो मालिक है शंकर सेठ। धर्मानंद, ये जमीन जायदाद हवेली और कारोबार का मैं अकेला मालिक हूं, दिनकर नहीं। धर्मानंद, कहीं तुम भी वही तो नहीं समझ रहे हो जो दिनकर समझ रहा है? वो सच नहीं है। सच ये है कि मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है कि सब कुछ दिनकर के नाम कर दें, और तुम दोनों ने बिना कानूनी कागजात पड़े हुए मेरा यकीन कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दामू भैया ने दिनकर का किया था। अब मैं ये ऐलान करता हूं कि ये जमीन जायदाद हवेली कारोबार इस सब का मैं मालिक हूं। कौन मालिक है? जी, आप शंकर सेठ। आज के बाद बिना मेरी इजाजत के अगर एक पैसा भी तुमने लिया तो मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। धर्मानंद, तुमने क्या कहा था? कि दिनकर मुझे भी दामू भैया की तरह हवेली से बाहर फेंकवा देगा? दिनकर से कह देना कि जो जेवर और महंगे महंगे कपड़े वो पहनता है वो सब उतार दे, और इस घर में अगर रहना है तो भाई बनकर रहे, मालिक बनकर नहीं। जी शंकर सेठ। शंकर सेठ, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। तुम कृतज्ञ हो, यह जमीन जायदाद सब तुम्हें मेरी बदौलत मिला है, और तुम मुझे ही आंखें दिखाते हो। फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी ये आंखें। खुद कृतज्ञ होकर दूसरों को कृतज्ञ बोलता है ये तेरा इंसान मालिक? ये दूसरों का अपमान करते वक्त जरा नहीं सोचता, लेकिन खुद का अपमान हुआ तो सांप की तरह डसना चाहता है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी का लिहाज नहीं उसे।
जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, भूल जाता है तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे बनाए सारे नियम कानून। कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाता है, और तब उसे उठाने के लिए, उसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कोई हाथ नहीं देता है, तब उसे गुस्सा आता है। कौन समझाए तुम्हारे इंसान को मालिक? क्यों क्यों बनाते हो ऐसे नमूने? क्यों मालिक क्यों? कभी कभी तुम्हारा खेल, तुम्हारी लीला मेरे समझ से परे है मालिक। हाँ, सबका मालिक एक। आओ धर्मानंद आओ। देखो दिनकर। धर्मानंद, जबान को सिखाओ कि वो दिनकर सेठ बोले। क्या? दिनकर सेठ। गुस्सा थूक दो दिनकर, गुस्सा थूक दो। वैसे भी अब तुम्हें ये बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़े और सेवर पहनने की आदत छोड़नी पड़ेगी। क्या कहा? ना, ये मैंने नहीं कहा, ये तो तुम्हारे शंकर भैया ने कहा है। और अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो हम दोनों के कपड़े उतरवा कर इस हवेली से बाहर भेज देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम दोनों ने अपने दामू भैया को हवेली से बाहर भेज दिया था। जल्दी जाओ और साधारण कपड़े पहनकर आओ, भूल जाओ कि तुमने कभी किसी नौटंकी में मालिक का किरदार किया था। जाओ। अब ठीक है। अभी तो तुम्हें सिर्फ महंगे कपड़े उतारने के लिए कहा गया है, इसके पीछे मालिक का जो संकेत है उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें मालिक समझाना चाहता है कि कपड़ों के साथ साथ अपना अहंकार भी उतार फेंको, अपनी गलती सुधार लो, परिवार में जो दरारें पैदा हुई हैं उन्हें पाटो। विश्वासघात, धोखेबाजी, शंका, संदेह, संशय, इंसान के ऐसे शत्रुओं को जिन्हें तुमने अपने दिल में जगह दी है उन्हें हटा दो, और उसकी जगह प्यार, ममता, आदर, सम्मान, विश्वास, उन्हें जगह दो, कल्याण होगा। वरना दूसरों को धोखा देने की कोशिश में खुद धोखा खाते रहोगे। याद रखो, जहां विश्वास है वहां इंसान चैन से श्वास लेते हुए निवास करता है, और ऐसे स्थान में मालिक का वास होता है। सबका मालिक एक। अरे देखो देखो, अरे बंडू इधर आओ। ये क्या चल रहा है, कैसा शोर हो रहा है? बाबा, गुड़ियों का नाच दिखाने वाला आया है, चलते हुए चित्र दिखाने वाला आया है। बाबा आप भी चलिए ना। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं भी आता हूँ। तुम्हारे जैसा चित्र दिखाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। गुड़ियों का नाच देखो, रावण देखो, हनुमान देखो, साधु देखो, शैतान देखो, उड़ने वाला गालीचा देखो, देश देखो, परदेश देखो, जादू देखो, डोरा देखो, देखो।
आओ, मुझे ये देखना है। अरे ये बच्चों का खेल है, लोग हंसेंगे। तो हंसने दीजिए ना, लेकिन मैं ये देखूंगी। सुशीला देखो, नूर और लक्ष्मी की माँ देख रही है ना। देश देखो, परदेश देखो। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है, है मेरे पास। चलो ठीक है, देख लो। अरे मालसा पति जी, मान लीजिए ना भाभी की बात, कुछ समय के लिए हम भी बच्चे बन जाते हैं। चलिए चलिए। इंसान का बच्चा बन जाना अच्छी बात, क्योंकि बच्चा बनने का मतलब ही है कि इंसान के अंदर की इंसानियत का जाग जाना, उसका निष्पाप हो जाना। मुझे तो सिर्फ साईनाथ नजर आए। साईनाथ? हम दोनों को अलग अलग कैसे दिखा? और वैसे भी उसके पास साईनाथ के चित्र कहां से आएंगे? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ साईनाथ को देखा, वो भी बड़े प्यार से देख रहे थे मुझे। क्या संकेत होगा इसमें? याद है जब हमारा बेटा था तो ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया था शिरडी में। आज भी ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया है, और हमारा बेटा नहीं है। सुनिए, हमारा बेटा है। क्या कहना चाहती हो तुम? हमारा बेटा है, इसका क्या मतलब है? बोलती क्यों नहीं? आजकल अजीब हरकतें करने लगी हो, बच्चों की तरह चलते चित्र देखने की जिद करने लगी। ये मेरी ही नहीं, बच्चे की जिद थी। बच्चे की जिद? वैसे भी हम औरतों को ऐसी हालत में तरह तरह की इच्छाएं होती रहती हैं। हमारा बच्चा लौट आया है, मैं फिर से आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। सपति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ महासपति, अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान। लेकिन साईनाथ, सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। अब मैं जान गया हूं कि साईनाथ ने मुझे अपने से दूर क्यों रखा। साईनाथ की लीला अगाध है, उनकी कृपा अपरंपार है। मैं साईनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। साईनाथ,
उठो मानसा पति, उठो। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं मानसा पति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे खंडोबा हैं, आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतनजी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो आप नहीं रहा, क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। बहन, अपने हर भक्त पर मेरी नजर रहती है, चाहे वो मेरे कितने नजदीक हों या मुझसे कितने भी दूर हों, मुझे हर किसी के मन का आक्रोश सुनाई देता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। उठो बहन, हर किसी को अपने कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं बहन। मैं तो सिर्फ कर्म बंधन से जल्दी छुटकारा पाने के लिए मार्गदर्शन करता हूं, इसीलिए तो मैंने मालसा पति को खंडोबा की यात्रा के लिए भेजा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ, ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए साईनाथ, ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कल्याण हो तुम दोनों का। साईनाथ।